रहा हूँ बख्शी नगर रोड से, क्योंकि हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांग हाई फाई ब्लॉग्स। तो गाइस बट कल ब्लॉग नहीं बना सका, कुछ था बिजी और शॉप पे भी थोड़ा काम था, उसके अकॉर्डिंग मैं ब्लॉग नहीं बना सका। तो अभी मेरी हेलमेट भी पहले की समझ लो कि नई हेलमेट भी लेनी है, टाइम नहीं मिल रहा बड़ी जल्दी, कल या परसों मैं हेलमेट ले ही लूँगा। तो एक मैंने हेलमेट देखी है वो मिकी माउस वाली चल रही है, अभी हेलमेट बड़ी ट्रेंडी में हेलमेट चल रही है वो, मैं सोच रहा था कि वो ऑर्डर कर दूँ, और लेट तो मैं काफ़ी हो चुका हूँ। टाइम बच रहा है 2:30 और फटाफट निकलते हैं शॉप की ओर। बाकी गाइस वही रास्ता वही रोड है, आज मैं निकल रहा हूँ बख्शी नगर रोड से, क्योंकि आज थोड़ा घूम के निकल रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं इसी रोड से निकलता हूँ। तो बाकी आज मैं थोड़ा घूम के निकलूँगा। बाकी गाइस की सर्विस वर्विस मैंने करा दी थी अपनी स्कूटी की, बहुत मज़ेदार मक्खन चल रही है गाड़ी, थोड़ी सी खड़के वड़के हैं वो भी सेट करवा ही लेंगे, टाइम थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस लोगों ने दो गलियाँ बनी हुई हैं। तो गाइस फाइनली बख्शी नगर पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में, और अभी पक्के चौक से निकलते जाएंगे। साथ में एक चीज़ चेक करवानी है, इसका हैंडल हल्का काम पर है यार अभी भी, तो वो भी चेक करवाना था। तो जिन भैया से मैंने काम करवाया वो उनको चेक करवाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यही प्लान है कि मैं शॉप पे जा रहा हूँ ट्रैक सीधा, काफ़ी लेट हो गया हूँ, 2:30 बजे हैं, और गाड़ी को टायर भी लेट लाने हैं, क्या कल या परसों डल ही जाएंगे टायर भी सुन रहे। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को और मेरे सारे ब्लॉग शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो यार, क्योंकि अब तो आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि रूटीन में ब्लॉग आए। और ये आ गया अपना भगत सिंह चौक, साथ में इसकी सजावट भी हो रही है, मार्बल वार्बल हो गया। अच्छा यार हमारे हिंदू में ना यूनिटी होनी चाहिए भाई, यूनिटी बनाओ, यूनिटी जितनी ज़्यादा यूनिटी बनाओगे उतना मज़ा आएगा आपको। और फाइनली और थोड़ा ना इसका ना ब्रेक शू वगैरह लेट लाए थे, वो भी देखना था, ब्रेक्स बहुत कम है मेरी और मैं भी ऐसे अपने फॉर्म में चला रहा हूँ। तो फटाफट पहुँचते हैं लोकेशन पे और बने रहो इस ब्लॉक के साथ। तो फटाफट पहुँचते हैं लोकेशन पे। तो गाइस चाचा ने लगा लिया शीशे बाहर, और चाचे का इतना दिमाग नहीं काम करता, पीछे कोई लिफाफा मार ले कुछ मार ले। तो चाचा लगा फोन पे, वाकई यार समझदार चाचा हमारा यार, मतलब कि इंडिया वाले क्या सोचते हैं, प्रो है यार, प्रो प्लेयर है क्या, अभी जब बचते हैं ना ये लोग, तो वो सर मेरी गलती थी माफ़ी ऐसे झुकते हैं लोग। अभी तुम लोग ड्राइवर हो ना, ये भी अगर गलती ना करें ना इनको झुकने की जरूरत नहीं किसी से, खुद गलतियाँ करते हैं लोग और भी खुद ही झुकते हैं। तो गाइस बने रहो इस ब्लॉग के साथ, फटाफट पहुँचते हैं। सो गाइस फाइनली स्कूटी की ब्रेकें सेट करा ली हैं मैंने भैया से, तो अब निकल रहा हूँ मैं। और भैया पूछ भी रहे थे आजकल आप राहुल के पास काम नहीं कराते, मैंने कहा मैं नहीं करवाता राहुल से काम, क्योंकि मेरी हो चुकी है उसके साथ बिशुम लड़ाई। सो गाइस फाइनली फटाफट पहुंचते हैं लोकेशन पे, और गाइस भैया ने जो काम कर दिया है एक नंबर भाई, मज़ा आ गया स्कूटी चलाने का। और बात गाइस यही है, आ गया हमारा बातें करते परेड चौक। और गाइस मेरा टैटू वाला जख्म भी, मतलब कि जख्म आ चुका है, टैटू पर निकल रहा है जख्म आसपास का। और बाकी मैं पहले सोच रहा था रात को ब्लॉग बनाऊँ अपने घर पे ही, बट फिर रात को मैं आजकल लेट सोता हूँ, गेम खेलते खेलते 3-4 बज ही जाते हैं। तो बाकी आज हम निकल रहे हैं परेड से, क्योंकि आपको पता ही है हर बार मैं लेट होता हूँ, इस बार भी लेट हो चुका हूँ। ओए होए होए होए, अरे एक तो हेलमेट लेनी पड़ेगी ना मुझे पहले, गाइस ऊपर से ना भैया से पता करता हूँ मेरी हेलमेट आ गई है, क्योंकि हेलमेट बड़ी ज़रूरी होगी, मेरी हेलमेट ख़राब हो चुकी है, नई हेलमेट लेनी है अभी। तो
लोग नहीं रुकते भाई, लोग नहीं रुकते गाइस। थोड़ा सा लगा है जाम, और ये देखो जैसे लोग जैसे बीच में स्कूटी लगा देते हैं भाई, गाड़ी वाले कहाँ से निकलेंगे यार। तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा भाई हमें। और गाइस हमेशा लेट होता हूँ इन गाड़ी वालों की वजह से ना, थोड़ा सा और लेट हो। गाइस कट देख रहे हो आप कैसे मार दिए मेरे, बिल्कुल नहीं समझ आई मैंने क्या किया, बट मैंने गाड़ी दबा ली अपनी फटाफट क्योंकि मैं हो चुका हूँ लेट काफ़ी ज़्यादा। और ये लोग ऑर्डर किया था और ऑनलाइन ऑर्डर में हेलमेट में कम से कम भी पहले एक हेलमेट आई थी, बट उसमें ना मैंने कुछ डिफॉल्ट निकाल दिया था। वो ना हेलमेट ना थोड़ी इशू था उस हेलमेट में ना, मैं डाल रहा था ना तो उसमें मेरे हेडफोन ना सेट नहीं हो रहे थे, तो उसके कारण मैंने वो हेलमेट वापस भेज दी। तो इसलिए फटाफट अब पहुँच गया आपसे बातें करते करते पटेल बाज़ार। और ये हमारे पटेल बाज़ार का मंदिर है जय माता जी। तो गाइस यहाँ पे खाने पीने की दो तीन दुकानें हैं बड़ी अच्छी, मिल जाता है अच्छा खाना पीना। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे भी काम लगा हुआ है, मतलब क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट भाई बता दो। तो गाइस फाइनली हाई फाइव ब्लॉग। तो भाई इस ब्लॉग को यहाँ ही खत्म करते हैं और बनेंगे नए ब्लॉग के साथ, जल्दी मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।